लगा दी तेरे हाथों पे हल्दी। अब ना ही हम तुझे चैट करने देंगे और ना ही बात। अच्छा जी, ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी तुम दोनों को शांति से नहीं जीने दूंगी। अरे सदा सुहागन रहे। कोकिला मना ले, जितनी खुशियां मनानी है मना ले, क्योंकि बहुत जल्दी तेरे रोने का वक्त आने वाला है। तुम्हें कब से बुला रहा हूँ, अभी जाके टाइम मिला? आपने देखा ना कैसे सब मुझे घेर कर खड़े थे, फिर कैसे आती मैं? ठीक है ठीक है, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, मेरी माँ ने तुम्हारे सामने जो प्रस्ताव रखा है तो मंजूर है? बिल्कुल, आप कहो तो स्टैम्प पेपर पे लिख कर दे दूं। जो छोकरी, एक बार सोच लो, तुम्हारा ये फैसला तुम्हारी बहन की जिंदगी बदल के रख देगा। आई डोंट केयर, मैंने फैसला कर लिया। तो ठीक है, अब तुम्हारे प्लान को अंजाम देने का वक्त आ गया है। तने कहूं छू, बाद में तू अपना फैसला बदल तो नहीं देगी ना? नो वेस, मैंने अपना मन बना लिया है। आई एम रेडी। ठीक है, ये लो तुम्हारा सामान। आज का दिन मेरा है और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुमने होश में तो हो? मीरा, ये सब क्या है? आज मैं बोलूंगी और तुम सब सुनोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को धक्का मारने की? हाँ, छोड़िए मुझे। कोहरा, मासी, मासी जी छोड़िए नीरा को। कोहरा छोड़ो उसे, आज मैं तुझे सजा दे के ही रहूंगी। मासी जी उसका हाथ छोड़िए। कोहरा मेरा हाथ छोड़िए। कोहरा छोड़ो उसे, कहा हाथ छोड़िए नीरा का। मासी जी छोड़िए, वरना वरना क्या? हाँ, वैसे तुम्हारा हाथ थामे रखने में नुकसान तुम्हारा नहीं मेरा ही है, इसलिए तुम्हारा हाथ छोड़ने में ही भलाई है। लेकिन आज मैं तुझे तोहफा देके ही रहूंगी।
और वो तोहफा ये है कि तू अपनी बहन की शादी में शामिल नहीं होगी। शॉट फॉट, तुमको जो बोलना है बोलो, लेकिन तुम अपनी बहन की शादी में शामिल नहीं होगी। आज जो तुमने पराक्रम किया है ना, उसके बाद तुम्हारा साया भी मेरे परिवार के ऊपर पड़ने नहीं दूंगी मैं। पर विद्या मेरी बहन है। सुन ले कोयली, ये मेरे पोते की शादी में शामिल नहीं होगी। मासी जी, मैं मानती हूँ कि मीरा से गलती हो गई, तो उसके लिए उसे इतनी बड़ी सजा देना जरूरी है क्या? अशुभ बोले छे कोयली, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ये अपने सर फिरी बेटी का पक्ष ले रही है। तुझे अपने समधी का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है? बस कौरा, तुम भी शांत हो जाओ। मीरा, कोई चाहे कुछ भी कहे, मैंने कह दिया सो कह दिया, तुम इस शादी में हिस्सा नहीं लोगी। मम्मी, आप क्या कह रही हैं? कोकिला, मीरा हमारे घर की सदस्य है और घर की सदस्य घर के प्रसंग में ना हो, ये मुझे ठीक नहीं लगता। हाँ काकी जी, प्लीज एक बार मीरा को एक और मौका दे दीजिए। आप लोगों को मेरे लिए रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी बहन की शादी अटेंड करके रहूंगी। रोक सको तो रोक लो मीरा। मीरा, यदि तुम चाहती हो कि अपनी छोटी बहन की शादी निर्विघ्नता से संपूर्ण हो, तो कृपया हम सबकी बात मान लो। पर दादी, मीरा, ऐसे जिद करके अपनी छोटी बहन को ऐसी दुविधा में मत डालो। एक ऐसी दुविधा जहां पर एक तरफ उसकी बहन है और दूसरी तरफ उसके ससुराल वाले हैं, और उसे दोनों में से किसी एक का साथ देना पड़े, और ऐसी स्थिति मात्र विद्या के लिए नहीं, हम सब के लिए दुखदायी होगी। दादी, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, इसलिए कृपया जब तक तुम्हारी छोटी बहन की शादी संपन्न ना हो जाए, तुम अपना चेहरा हम में से किसी को मत दिखाना।
गौरा धर्म, आप लोग सही समय पर बारात लेकर हमारे घर आ जाइएगा। धर्म जी, मीरा ने जो हरकत की है उसके लिए उसे माफ कर देना। पूरे परिवार की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मासी जी, हम जानते हैं कि मीरा ने बहुत बड़ी गलती की है। प्लीज मासी जी, आप मान जाइए। मासी जी मैं मानती हूँ मीरा से गलती हो गई। मासी जी प्लीज मीरा को माफ कर दीजिए। प्लीज आपने जो फैसला लिया है उस पर एक बार और सोच कर देखिए। मीरा विद्या की बड़ी बहन है, अगर वही शादी में नहीं होगी तो। मासी जी, वाह दिक्रा वाह, सोचा था उससे भी अच्छा हो गया। बस अब समय का पहिया जल्दी जल्दी घूम जाए और शादी का समय आ जाए, फिर होगा असली धमाका। वो धमाका ऐसा होगा कि कोकिला और उसका परिवार दोनों हिल जाएंगे। बस बा बस, मुझे भी उसी दिन का इंतजार है। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।